कन्वेनर के लिए, हमारी इच्छा से, हम तो देश के चाहते हैं नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं। ये मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है, कब विस्तार होगा कब विस्तार नहीं होगा, हम ये मुख्यमंत्री जी ही इसका उचित जवाब दे पाएंगे। उनके चाहने से कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई कन्वेनर बनता है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति क्यों नहीं गई? समय में लाठीचार्ज होता है तो उस पर जांच समिति बनती है, ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्षी नेताओं का महाजुटान तो आपने पिछले दिनों देखा होगा, बेंगलुरु में कैसे विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहुंचे और इस ग्रैंड अलायंस का, इस महागठबंधन का नाम रखा गया इंडिया। अब इंडिया वर्सेस इंडिया की देश में लड़ाई होगी, लेकिन बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो कह रहे हैं कि उनकी इच्छा तो है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। हालांकि कई बार नीतीश कुमार ने खुले मन से कहा है कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि एक बिहारी होने के नाते उनकी इच्छा है। वहीं हाल ही में जिस तरह से बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है पटना में, उस पर भी अशोक चौधरी ने खूब कस के बीजेपी को लतार लगाई है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। नीतीश, अब हो सकता है कि सम्राट जी की नीतीश जी से बराबर बात होती होगी और इसीलिए नीतीश जी ने बताया होगा कि हम प्रेशर में हैं। हम लोगों को तो नहीं मालूम है कि नीतीश जी किसी के प्रेशर में और दबाव में आने वाला उनका व्यक्तित्व है। विस्तार को लेकर जो चर्चा है, ये मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है, कब विस्तार होगा कब विस्तार नहीं होगा, हम ये मुख्यमंत्री जी ही इसका उचित जवाब दे पाएंगे। इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें जदयू क्या चाहती है, नीतीश कुमार की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या कन्वेनर के रूप में आपसे पूछते हैं कि उनको होना चाहिए? नहीं, हम लोग को कौन कन्वेनर के लिए, हमारी इच्छा से, हम तो देश के चाहते हैं नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं, तो हमारे चाहने से थोड़ी हो जाएगा। हमारे चाहने से कन्वेनर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस दल में बैठे हैं उनके चाहने से कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई कन्वेनर बनता है। माननीय नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, न मेरी कोई इच्छा है, हम सिर्फ और सिर्फ एक बड़े गठबंधन को बना करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश में हराना चाहते हैं। उन्होंने कम से कम ये बात 100 बार कह चुकी है, इसीलिए न नेता को कन्वेनर बनने की इच्छा है, न देश में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। वो एक भूमिका में है, उस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं। हरेक नेता अपने, हरेक कार्यकर्ता अपने पार्टी के नेता को शीर्ष स्थान पर देखना चाहता है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी को चाहते हैं कि देश का सबसे बड़ा कंपनी बने, अगर बनेगा बड़ा कंपनी तो उससे आपको फायदा होगा। तो हर एक व्यक्ति, जो भी छोटा से छोटा पॉलिटिकल पार्टी है या छोटा से छोटा राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है, वो चाहता है कि उसका नेता स्थापित हो, बड़ा बने, तो हमारी भी इच्छा है। दावेदार तो खुद नीतीश जी कह चुके हैं कि हम दावेदार नहीं हैं, हम तो सोचने और इच्छा की बात की है। बहुत हमारे लिए प्रशांत किशोर बहुत नोटिस के आदमी नहीं है। मंत्री जी, एक सवाल यह है कि 13 तारीख को जो लाठीचार्ज हुए उसमें आप बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके पार्टी के नेता की मौत उसी लाठीचार्ज के कारण हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया उसमें हार्ट अटैक की बात कही जा रही है, इस पर अब भाजपा के लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 तारीख से 9 तारीख तक पूरे बिहार में उसके लिए आंदोलन करेंगे। आंदोलन, देखिए वो तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाठी चार्ज हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फैक्ट ये है कि वो आदमी छज्जू बाग में पाया गया और छज्जू बाग में गिरा हुआ पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के साथ जो गवाह थे उन लोगों ने बयान दिया, CCTV कैमरा में सब कुछ दर्ज है। और उसके बाद यही तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे चीज़ों को घुमाते हैं, ये देखने की बात है। CCTV कैमरा का फुटेज है, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी उनको अस्पताल ले गए उनका बयान है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। उसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति क्यों है, कि जब JNU में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी, जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी, CNR NRC पर जब महिलाएं बैठी थी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति क्यों नहीं गई, क्यों बिहार पर ही जांच समिति बैठी? जब आप मिर्चा फेंक रहे हैं, आप सिग्रीवाल जी को साफ साफ CCTV फुटेज में देख रहे हैं कि आप प्रतिबंधित एरिया से आप उसको आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो लोग विधानसभा के बचाव में और जो पदाधिकारी विधानसभा घेरने के लिए जो लोग आ रहे थे उसके बचाव में जो लोग हैं वो कार्रवाई करेंगे, और उस कार्रवाई में लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है।
तो बार बार आपके समय में और आपकी सरकार में जब लाठीचार्ज होता है तो वो न्याय संगत है, संविधान संगत है, और जब दूसरे पार्टियों के समय में लाठीचार्ज होता है तो उस पर जांच समिति बनती है, ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि वहाँ पूरी तरह से वहाँ की व्यवस्था चरमरा गई है, और राज्य सरकार, क्योंकि ये घटना लंबे समय से चल रहा है और राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, इसलिए केंद्र सरकार को इसमें इंटरवेन करना चाहिए, और केंद्र सरकार को, केंद्रीय नेतृत्व को मणिपुर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए तत्काल इंटरवेन करके शांति बहाल मणिपुर में करना चाहिए। ओपोजिशन की जो मीटिंग हुई है बेंगलुरु में, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा है तमाम जितने परिवारवादी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो घोटाले वाले हैं, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, अब ऐसा है कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो उनके घटक दल हैं, आज तक तो एनडीए के बैठक हुई नहीं 9 साल में, लेकिन क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि एनडीए को 38 दलों की बैठक बुलानी पड़ी और अपना कुनबा बड़ा करना पड़ा? पटना में नीतीश जी के नेतृत्व में जो लाइट माइंडेड पॉलिटिकल पार्टियां थी, जब उनकी बैठक हुई और सब लोग समझ रहे थे कि ये बैठक हो नहीं पाएगी, लेकिन हम अपने नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से सभी लोगों को एकजुट करने में सफल हुए, और जब उनकी बैठक यहाँ सफल रूप से हो गई तब उन लोगों ने एक एनडीए की बैठक बताई। जहाँ तक परिवारवाद का बात है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ी विस्तार से विधानसभा में जितने परिवारवादी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं उनका नाम गिनाने का काम किया है, इसीलिए परिवारवाद पर या भ्रष्टाचार पर जो लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपको खुद आपके ऊपर आती है। भारतीय जनता पार्टी पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके पास एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है कि जिसको आते ही उस डिटर्जेंट पाउडर से सफाई उनका हो जाता है, और जो लोग हमारे पास आते हैं वो बदबूदार हो जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी नीति आने वाले चुनाव में नहीं चलेगी। प्रदेश के और देश की जनता समझ रही है कि कितना परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है, कितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में है, कौन कौन लोगों के ऊपर कितने कितने आरोप थे, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जा कर के मंत्री बनने से साथ साथ उनको भी महिमा मंडित किया गया। देश के सशक्त नेता ने जिन पार्टी के बारे में उन्होंने मंच से कहा, उनको नए मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में उनको जगह दी गई। इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के ऊपर में अपने किए गए कृत्य को भी देखना चाहिए। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, क्या कुछ उन्होंने कहा है, कैसे नीतीश कुमार को अगला प्रधानमंत्री वो बनते देखना चाहते हैं एक बिहारी होने के नाते? देखिए, जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी क्या कुछ उन्होंने कहा है, वहीं बीजेपी नेताओं को क्या नसीहत दी है वो भी आपने सुना है। आप लाइव सीख साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।